डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंथेनाइट एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइट्स और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्सिंग बिहेवियर, या इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि लैंथेनाइट एलिमेंट्स कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लैंथेनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है पिछले लेक्चर में, और इसके साथ हमने इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका लैंथेनाइट्स एलिमेंट में किसकी वजह से आता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। ओके, ठीक। तो इससे पहले लेक्चर में, जो पिछले लेक्चर्स में जब हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, तो हमने वहां पे भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उस वक्त हमने देखा था कि जो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में जो मेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करता था, या जो एलिमेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसके कारण आ जाता था, वो था डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, ये आपने जब लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको वहां पता चला होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आता है। तो वहां पे ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपके ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता था। अब यहां पे क्या होगा कि लैंथेनाइट्स में आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी होंगे जब आपकी एफ ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर आपके जो एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आपका वो वाला एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ लैंथेनाइट्स में जिनमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, और अगर नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पहला एलिमेंट है आपका लैंथेनाइट में, जो कि है सीरियम। सीरियम है, जिसे हम सीई सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सीरियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो ये हम इसे लिखते हैं ज़ीनॉन। ठीक है, 4F1 5D1, और इसके आगे आपका 6S2। टोटल इसमें क्या है आपका, चार इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहां पे देखें तो आपका यहां पे एफ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर हम अब इसको सीरियम से सीरियम 4+ आयन्स में अगर आपका कन्वर्ट हो जाता है, तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तब ये आयन में चेंज होंगे, और अगर Se4+ में अगर ये चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन आपका बाहर चले जाएंगे, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेंगे, Xe4F0। ठीक है, 4F0 आपका ये जीरो बन गया। अब एफ ऑर्बिटल में आपका क्या है, जीरो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनका प्रेसिडिंग एलिमेंट्स अगर हम लैंथेनियम की बात करें, लैंथेनियम में अगर इसको हम 3+ आयन में चेंज करें, तो यहां पर भी क्या है, एफ में जीरो इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या बिहेव करेंगे इन दोनों में, क्यों, क्योंकि आपका जीरो है तो आपका एफ ऑर्बिटल में जीरो है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका क्या करेंगे, डाया
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे ये, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स में आपका क्या है, जीरो इलेक्ट्रॉन है। जीरो इलेक्ट्रॉन मीन्स यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक, अब और एक केस देखते हैं कि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है लेकिन वहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है। अगर आप ल्यूटीडियम की बात करें, एलयू की बात करें, लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, एक्सी 4F14 रहेंगे, ठीक है, 5D1 6S2। यहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे रहेंगे, Xe है 4F, अब यहां पे फुल्ली ऑर्बिटल है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 5D1 है, 6S2 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पे आपका अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं Lu3+ में, ठीक है, मींस यहां से तीन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेंगे, Xe4F14। अब यहां पे क्या है, 4F14 है, मींस अगर हम 4F ऑर्बिटल की बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या है, 7 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 है। यहां पे सारा ऑर्बिटल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, 17 है, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, 4F ऑर्बिटल सारा क्या है, ऑक्यूपाइड है। अब यहां पे क्या है, यहां पे भी आपको क्या है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, यहां पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अब जब कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या करेंगे, ये भी आपका डायमैग्नेटिक बिहेव करेगा, इसका प्रॉपर्टी भी आपका क्या होगा, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, ये कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो इनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है, आपका पहला जो सीरियम है या 4+ है, लिंथेनियम है या आपका ल्यूटीटियम 3+ है, इन सब में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपैड 4F इलेक्ट्रॉन, दीस एलिमेंट्स या दीस आयंस आर शोइंग डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये तीन एलिमेंट्स आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे, बाकी आपके पास जितने भी आपके पास लेंथेनाइड या एफ ब्लॉक लेंथेनाइड एलिमेंट्स है वो सब क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, क्योंकि उनमें क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां से आ रहा है लेंथेनाइड में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरह आपके ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता था, यहां पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन इन द एफ ऑर्बिटल ये क्या कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब अगर आप लेंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ अनपैड इलेक्ट्रॉन्स इन 4F ऑर्बिटल, लेंथेनाइड्स में क्या होगा, 4F ऑर्बिटल्स में आपका अनपैड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उसी अनपैड इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले हम जो पिछले जब हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे या डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करता था, मैग्नेटिक मूवमेंट इन ट्रांसेक्शन एलिमेंट, अगर हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट हमें कैलकुलेट करना था और करना होता है तो हम इस इक्वेशन के थ्रू हम कैलकुलेट करता है μs+L, ठीक है, इस इक्वल टू √4s(s+1)+L(L+1), इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या करता था, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करता था इनकेस ऑफ ट्रांसेक्शन एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब यहां पे स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है या ये एल है आपका ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कंट्रीब्यूशन आता है,
फोर एस एस स्पिन क्वांटा नंबर इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन। यहां पे ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ड्यू टू बोथ स्पिन एस वेल एस ऑर्बिटल मोशन की वजह से, अगर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपका आता है तो ये वाला इक्वेशन आप यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट में फर्स्ट ट्रांसेक्शन एलिमेंट की फर्स्ट रो की बात करते हैं, ठीक है, हाउएवर इन द फर्स्ट रो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स, यहां पे क्या होता है यूजुअली जो आपका ऑर्बिटल मोशन है, ठीक है, जिसे हम L से डिनोट करता है, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन इज क्वेंचेड, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो हम कैलकुलेट करता है वो ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली बाय यूजिंग स्पिन ओनली फॉर्मूला। हम यहां पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करता है वो सिर्फ ड्यू टू दिस स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आता है वो कैलकुलेट करता है, वो किसके बराबर होता है, म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट फोर एस इंटू एस प्लस वन, ठीक है, फोर एस इंटू एस प्लस वन, ये ड्यू टू दिस स्पिन ओनली मोशन, सिर्फ आपका स्पिन मोशन यहां पर क्या करना होता है हमें कंसीडर करना होता है। और यहां पे जो एस है, एस आपका बराबर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एन या नंबर ऑफ अनपेड बाय टू, जब आप इस एस की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये आपका म्यू एस बराबर होगा अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन यहां पे क्या है, एन इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे ये क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला फॉर्मूला आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो ट्रांसेक्शन एलिमेंट है, सिर्फ वो इसको फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो यूजुअली ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाता है, क्वेंच हो जाता है, क्वेंच हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्पिन ओनली फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको ओनली स्पिन जो मोशन की वजह से कंसीडर करना है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। यूजुअली ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट रो ट्रांसेक्शन एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है। अब यहां पे ये जो फॉर्मूला है, अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या आप लेंथेनाइट की बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ कुछ आपका लेंथेनाइट्स में आयंस इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, ठीक है, जैसे कि आपका लेंथेनम प्लस थ्री एक इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, या आपका गैडोलिनियम प्लस थ्री फोर एफ सेवन है, ठीक है, ये कम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, फोर एफ यहां पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और आपका तीसरा जो एलिमेंट है ल्यूटीटियम थ्री जहां पे फोर एफ फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथेनाइड में, लेंथेनाइड में कौन कौन सी एलिमेंट इस वाले फॉर्मूले को फॉलो अप करता है, तो ये तीन एलिमेंट है, ठीक है, लेंथेनम प्लस थ्री, गैडोलिनियम प्लस थ्री विच इज इक्वल टू फोर एफ सेवन विच हैज कंप्लीटली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, एंड ल्यूटीटियम थ्री प्लस विच हैज कंप्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल, यहां पे हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल है, यहां पे कंप्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट आपका क्या करता है, फॉलो करता है इस फॉर्मूले को, फॉलो स्पिन ओनली फॉर्मूला। अगर इनमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। स्पिन ओनली कंट्रीब्यूशन की वजह से इन एलिमेंट्स में आपका क्या हो जाता है,
मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है, ये इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है, यहां पे अगर आप ल्यूटीटियम की बात करते हैं या लेंथेनियम प्लस थ्री की बात करते हैं तो इन सब में क्या है, 4F 0 है, यहां पे 4F क्या है 14 है, मींस यहां पे आपका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। 14 मींस आपका जो f ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो सब पेड है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पे 0 है। यहां पे जब आपका 4f ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन भी 0 रहेंगे, तो इन दोनों में आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा, n इज इक्वल टू 0 व्हिच इज म्यू s इज इक्वल टू आल्सो 0। तो इनकी केस में आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आपका क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। अगर हम गैडोलिनियम की बात करें Gd3+, तो यहां पे आपका क्या है 4F7 है, 4F7 मींस आपका जो 7 ऑर्बिटल्स में आपका क्या है 7, तो यहां सारे ऑर्बिटल्स में सब शेल्स में एक एक क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई पैर अब नहीं है, सारा कंप्लीटली हाफ फील्ड है, तो 7 इनमें क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पे आप म्यू एस कैलकुलेट करेंगे, म्यू एस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएंगे आपको, क्योंकि यहां पे आपका 7 का 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका अनपेड है, कोई पैर अब नहीं है, तो म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 7, एन इज इक्वल टू 7 7+2, ठीक है, n into n plus 2, where n is equal to number of unpaired electron. Gadolinium में आपका 3+ में 7 unpaired electron है, n is equal to 7, means under root 7 into 7 plus 2, which is equal to 7, 7 plus 2, 9. कितना आएंगे? 7, 9, 63. इसको अगर आप calculate करेंगे, तो ये आपका around 7.9 BM, और magneton इसका क्या है? Unit है. तो अगर आप गैडोलिनियम 3+ की बात करते हैं तो वहां मैग्नेटिक मूवमेंट आप स्पिन ओनली फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका 7.9 BM क्या करेंगे, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करके आपको इसका वैल्यू 7.9 BM मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेंथेनियम प्लस 3, गैडोलिनियम प्लस 3 एंड ल्यूटीटियम प्लस 3। गैडोलिनियम 4F ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ल्यूटीटियम में 4F ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, लेंथेनियम में 4F ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये तीन आपका आयंस स्पिन ओनली फॉर्मूले को फॉलो करता है, बट बाकी जो तीन में से तीन तो ये हो गया, बाकी आपके पास क्या कितने बचे, 11 एलिमेंट्स, 11 जो लेंथेनाइट एलिमेंट्स है, फिर उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करें। बाकी जो 11 जो बचता है वो स्पिन ओनली फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट आपका मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द अदर्स, बाकी जो बचा हुआ द अदर लेंथेनाइड आयंस do not follow spin only formula, बाकी जितने भी elements है उनका magnetic moment अगर आपको calculate करना है तो वो spin only formula से नहीं निकाल सकते हैं, which is equal to mu s is equal to under root n into n plus 2, बाकी सारा ions का magnetic moment आप इस formula से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, दिस रिलेशन क्यों, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, देखो f ऑर्बिटल्स या आपकी लेंथेनाइट्स में f ऑर्बिटल जो है वो वेल शीडेड होता है, आपका 5s और 5p ऑर्बिटल है, मींस आपका f ऑर्बिटल क्या होता है अंदर रहता है, इसके बाहर ऑलरेडी दो कवर रहता है 5s और 5p, ये दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन आपकी एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका इफेक्ट नहीं होने देता है, ठीक है। जब 4f ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन पे बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होंगे, वो शील्डेड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, तो यहां पे आपका जो ऑर्बिटल मोशन है वो क्वेंच नहीं होगा, वो क्वेंच नहीं होगा, क्यों, बिकॉज
ऑर्बिटल्स आर वेल शील्डेड करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है बाय द ओवरलाइंग, कौन कौन सा, एक आपका 5s है एंड दूसरा आपका 5p है। ये दो ऑर्बिटल आपका 5s और 5p, इसको क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स वेल शील्डेड बाय ओवरलाइंग 5s एंड 5p इलेक्ट्रॉन, दस द ऑर्बिटल मोशन इज नॉट क्वेंचेड। यहां पे हम ऑर्बिटल मोशन को क्वेंच नहीं कर सकते हैं, मीन्स यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहां पे बोथ स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर करना होगा मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए। इस फॉर्मूले से आप बाकी जितने आयंस हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकता, कैलकुलेट करने के लिए आपको उनका क्या करना पड़ेगा, बोथ स्पिन मोशन एज वेल एज आपको ऑर्बिटल मोशन कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन कैलकुलेट करना होगा। Therefore, इसीलिए such ions both spin as well as orbital momentum, orbital motion या momentum have to be considered, हमें both spin as well as orbital motion को क्या करना होगा, consider करना होगा magnetic properties को calculate करने के लिए। यही यहां पे आपको contrast नजर आएंगे आपकी D block element या transaction elements और F block element lanthanide में, या हम F block elements या inner transaction elements में, यहां पे आप लोगों को different नजर आ जाएंगे, ठीक है। और रही आपकी ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में सेकंड रो और थर्ड रो की बात, फर्स्ट रो को तो हमने कहा कि ये स्पिन ओनली फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में आपका सेकंड रो और थर्ड रो भी आपकी स्पिन ओनली फॉर्मूले को नहीं, फॉर्मूले को यूज करके आपका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो F जो ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसमें आपका लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है, दूसरा आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट में सेकंड रो और थर्ड रो, वहां पे भी आपको ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल मोमेंटम इस वेल इस स्पिन मोमेंटम को कंसीडर करना होता है। अब होता यहां क्या है, ठीक है, इन लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स में द स्पिन आपका जो एस है, ठीक है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जिसको कि हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, दी टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जो कि कैपिटल एस से डिनोट करता है, एंड टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपका एस जिस जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है, एंड टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो कि एल है, ये दोनों क्या हो जाता है, कपल हो जाता है टुगेदर टू गिव ए न्यू क्वांटम नंबर जी।
अब लेंथेनाइट में क्या हो जाता है आपका, क्योंकि यहाँ पे बोथ स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशन आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे इफेक्ट करता है, तो आपका टोटल स्पिन क्वांटम नंबर जो कि कैपिटल एस है, कैपिटल एस इज इक्वल टू आपका जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका रिजल्टेंट क्या है, स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर, एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम जो स्मॉल एल प्लस वन एल प्लस टू जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका एंगुलर जो ऑर्बिटल मोमेंटम का क्या है, सम अप है। ये दोनों क्या हो जाता है, कपल हो जाता है, मिल जाता है, उनके मिलने से आपका एक नया क्वांटम नंबर अराइज होता है जिसे हम J से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और ये J बराबर आपका एक तो L प्लस S, J इज इक्वल टू L माइनस S, यहां पे इसका मतलब है कि J का वैल्यू L प्लस S से L माइनस S तक वेरी होता है। L प्लस J इज इक्वल टू L प्लस S कब होंगे, ये वाले का वैल्यू कंसीडर आप तब करेंगे जब आपका ऑर्बिटल मोर देन हाफ फिल होगा, आपका जो व्हेन द ऑर्बिटल्स और शेल इज मोर देन हाफ फिल, और एल माइनस एस का वैल्यू कब कंसीडर करेंगे, व्हेन द ऑर्बिटल्स और शेल्स इज लेस देन हाफ फिल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एफ ऑर्बिटल है, मीन्स यहां पे क्या है, सेवन है, सेवन टोटल क्या है, सब शेल या ऑर्बिटल है, वन टू सिक्स सेवन, अगर ये मोर देन हाफ फील्ड है तो ये अगर ऐसा है सेवन एट इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हुआ, मोर देन हाफ फील्ड है, इस केस में जे का वैल्यू आपको ये लेना होगा एल प्लस एस। अगर यहां पे ऐसा केस है ये सात से कम है, मींस ये लेस देन हाफ फिल्ड है, इस केस में जे का वैल्यू आपको क्या करना होगा, एल माइनस एस कंसीडर करना है। अब इसको कंसीडर करने के बाद आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, कैसे, आपका इक्वेशन है ये वाला, देन देयरफॉर द मैग्नेटिक मूवमेंट इन लेंथेनाइट्स can be calculated by using the equation, ये वाला equation फिर आपको क्या करना है, use करना है, जिसमें आपका वो contribution आना चाहिए both orbital as well as spin का, ठीक है। mu is equal to, अब यहां पे एक g है, g length factor अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला आपको कंसीडर करना है कैलकुलेट करते वक्त मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट। लेंथेनाइट एलिमेंट का जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आपको फॉलो करना है। ये जी का वैल्यू है लेंथ, जी वैल्यू इज इक्वल टू वन हाफ, ठीक है, प्लस S into S plus 1 minus L into L plus 1 whole divided by twice J into J plus 1, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप G का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां पे 1 half यहां पे नंबर है, S आपका टोटल स्पिन जो आपका क्वांटम नंबर है, L आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, और ये आपका टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है आपका J, ठीक है। तो यहां से आप G का वैल्यू निकालेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से, वहां से फिर आपका मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को लेके, विच इज म्यू इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। यहाँ जी लैंडी जी फैक्टर है जिसका वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, जे आपका क्या है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो यहां से आप इनकेस ऑफ लेंथेनाइट में आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, और इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स,
ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे फर्स्ट रो की अगर हम बात करें तो वो सिंपलली आपका n इंटू एन प्लस टू बी एम, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं म्यू एस इज इक्वल टू, क्योंकि वहां स्पिन ओनली जो क्वांटम नंबर या स्पिन मोशन का इफेक्ट रहता है। हाउएवर इन केस ऑफ लेंथेनाइट एंड सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो ये है आपका कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका लेंथेनाइट्स का कैलकुलेट करते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है आपका इन कंपैरिजन टू फर्स्ट रो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ये है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। यहां पे हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसेक्शन एलिमेंट डिस्कस जो एफ ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सिंग बिहेवियर। कॉम्प्लेक्सिंग बिहेवियर ऑफ लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है जब आपका मेटल आयन किसी लिगेंड के साथ अटैच होंगे। ठीक है, जब आपका मेटल आयन और लिगेंड जुट जाएंगे तो वहां पे आपका क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एम है, एम और एल है, ये लिगेंड है, ये आपका मेटल आयन। जब एम और एल जुट जाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे, ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मेटल आयन है ये क्या होगा, मेटल आयन है ये आपका लेंथेनाइट्स होगा, लेंथेनाइट में से कोई आयन होंगे, और ये लिगेंड आपका कोई भी लिगेंड हो सकता है जो इस लेंथेनाइट के साथ क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ये आपका लेंथेनाइट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैसे आपका लेंथेनाइट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और कौन सा फैक्टर है जो लेंथेनाइट्स को कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करता है। यहां पे यूजुअली लेंथेनाइट्स का जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो वहां पे हमने कहा था कि जो लेंथेनाइट्स है वो मेनली मोस्ट कॉमन एज वेल एज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइट इज प्लस थ्री। लेंथेनाइट यूजुअली प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, मींस यहाँ पे एम क्या होगा, प्लस थ्री होगा, एम का ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनाइट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होंगे। अब ये लेंथेनाइट जब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो ये प्लस थ्री चार्ज आपका क्या रहता है, हाई चार्ज रहता है, चार्ज जो है लेंथेनाइट्स पे ज्यादा रहता है। ठीक है, और यही हाई चार्ज आपके लेंथेनाइट को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये वाला हाई चार्ज जो प्लस थ्री है, या आप सीरम प्लस फोर की बात करते हैं तो वहां तो और भी क्या हो जाता है, चार्ज बढ़ जाता है, तो वहां पे ये आसानी से आपका क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, चार्ज की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा यहां पे फैक्टर है कि अगर हम कंपेयर करेंगे लेंथेनाइट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट से या ट्रांसेक्शन एलिमेंट से, ठीक है, वहां पे आपका लेंथेनाइट का स्पीड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने का स्पीड ट्रांसेक्शन एलिमेंट से थोड़ा कम है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय लेंथेनाइट्स इज नॉट सो रैपिड इज कंपेयर टू ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स। अगर आप ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स को या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लेंथेनाइट के साथ कंपेयर करेंगे कि कौन सा एलिमेंट्स जल्दी से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, रैपिडली
आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, मीन्स जब भी जो ही आप लिगेंड्स और का मेटल को क्या करेंगे, मिक्स अप करेंगे कोई, तो कौन सा एलिमेंट जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है? तो यहां पे आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनाइट्स। रीजन क्या है? रीजन यहां पे है कि द साइज ऑफ द आयंस, जो आयन की साइज है, मेटल आयन की साइज है, वो लेंथेनाइट्स में बड़ा है एज कंपेयर टू आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में, ठीक है? बिकॉज द साइज ऑफ आयंस इन ट्रांसेक्शन या हम लेंथेनाइट्स में इस लार्जर। यहां पे रीजन क्या है कि जो लेंथेनाइट्स है वो जल्दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता है एज कंपेयर टू ट्रांसेक्शन एलिमेंट, बिकॉज द साइज और साइज ऑफ आयन इन लेंथेनाइट इज लार्जर। क्योंकि जब हम लेंथेनाइट्स की बात करते हैं तो वहां साइज थोड़ा बढ़ जाता है, आपकी आयन की साइज बढ़ जाता है। यहां हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अगर हम लेंथेनाइट प्लस थ्री की बात करते हैं, लेंथ कोई भी लेंथेनाइट होगा प्लस थ्री ऑक्सीडेशन में स्टेट में, तो उनका साइज वेरी होता है आपका 1.032 0.86 एंगस्ट्रॉम के बीच में। इतना इनका आयनिक साइज या रेडियस क्या होता है वेरी करता है 1.032 0.86। हम LN3 पूरे लेंथेनाइट्स को LN से रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका साइज इतना वेरी होता है 1.032 0.86 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में देखें, कुछ ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में अगर हम कुछ आयंस का साइज देखें, तो अगर हम क्रोमियम की बात करें, Cr प्लस थ्री, लेंथेनाइट भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है, थ्री प्लस में, और क्रोमियम आपका क्या है ट्रांसेक्शन एलिमेंट में, इसका साइज आपका 0.615 एंगस्ट्रॉम के करीब रहता है क्रोमियम का। तो अगर यहां पे साइज देखें तो लेंथेनाइट से बहुत छोटा है आपका क्रोमियम। इसी तरह अगर आप आयरन थ्री प्लस की बात करें, लेकिन लो स्पिन में, जब ये लो स्पिन स्टेट में होता है, तो इसका साइज आपको मिलेंगे 0.55 एंगस्ट्रॉम। तो यहां इस क्रोमियम से भी आयरन प्लस थ्री का क्या है साइज छोटा है। तो इस ये साइज जो छोटा होने की वजह से आपका लेंथेनाइट थोड़ा स्लोली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है अगर हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ अगर इनको कंपेयर करें तो, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की कंपैरिजन में लेंथेनाइट आपका थोड़ा स्लो है, आपका जो इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिहेवियर है वो स्लो है इस कंपेयर टू ट्रांसेक्शन एलिमेंट। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे साइज आपका ट्रांसेक्शन एलिमेंट का छोटा है इस कंपेयर टू लेंथेनाइट से, ठीक है? तो ये हो गया कि आपका कितना जल्दी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है? अब जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, आपका मेटल और लिगेंड जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स कौन सा, कितने लिगेंड आपका मेटल आयन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है? ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लेंथेनाइट्स की, लेंथेनाइट जो है वो कितने लिगेंड के साथ अटैच रहता है, ठीक है? तो यहां पे अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो अगर लेंथेनाइट में कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स से अगर कम है तो वो क्या है, अनकॉमन है या बहुत कम कम ही सिक्स से कम वाले कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है? CN हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे बिलो सिक्स, आर अनकॉमन और ओनली फिव ऑकर।
अगर यूजुअली जो कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करें तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बिलो 6 है या 2, 3, 4, 5 तक है वो बहुत अनकॉमन है, बहुत कम रहता है, और अगर रहेंगे भी तो बहुत कुछ ही रहेंगे। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, ठीक है, जिस तरह हमने ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स में देखा था यूजुअली ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता था और मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स बनता था वहां इधर टेट्राहाइड्रल जिसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे और ऑक्टाहाइड्रल जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, वो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की केस में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिला था। लेकिन यहां पे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें इन केस ऑफ लेंथेनाइड तो वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर रहेंगे भी तो कम, अगर आपका रहेंगे भी तो वो बल्कि ग्रुप के साथ जो अगर आपका लिगेंड बड़ा होगा तो उनके साथ आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज नॉट यहां पे भी कॉमन इन कंपैरिजन टू ट्रांसेक्शन एलिमेंट। अगर आप ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो लेंथेनाइड में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या रहता है, बहुत कम रहता है। यहाँ पे कुछ अगर हम एग्जांपल लेंगे तो लिगेंड की किसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बिलो रहता है, तो यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल माइनस, इस लिगेंड के साथ आपका यूजुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बिलो रहेंगे। दूसरा आपका है NSI इस लिगेंड के साथ आपका यूजुअली जो ऑक्सीड कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ट्राइमिथाइल साइलेंट एन ट्राइमिथाइल साइलेंट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम रहता है, मींस 6 से कम ये ऐसा लिगेंड आपका लेंथेनाइड के साथ अटैच रहता है। अगर आप ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्यादा नहीं रहता है इन केस ऑफ लेंथेनाइड। और जो सबसे कॉमन है कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ लेंथेनाइड्स आर 7 है, आपका 8 है, 9 है, ठीक है। ये 7, 8, 9 कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सबसे ज्यादा रहता है इनकेस ऑफ ट्रांसेक्शन ये लेंथेनाइड्स में। अब जितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उतना उनका स्टीरियो केमिस्ट्री भी क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री आपका शो करता है। इवन आपका 9 से ज्यादा 10 कोऑर्डिनेशन नंबर भी रहता है, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर भी रहता है अगर लेंथेनाइड्स की बात करें। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो ये बनाता है आपका जो सीरम प्लस 4 में, ठीक है। तो पहले ही हमने कहा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है लेंथेनाइड तो वो उनके हाई चार्ज की वजह से करता है, जब उन पे हाई चार्ज रहता है, ठीक है। तो अगर 12 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स की हम बात करें एक एग्जांपल लेते हैं, ये बनाता है आपका सीरियम प्लस 4 में। सीरियम प्लस 4 में आपका जो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आपका 12 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीरियम आपका प्लस 3 रहता है। कॉम्प्लेक्स ऐसे सीई, ठीक है, NO2 6 ऐसा कॉम्प्लेक्स ये आपका बनाएंगे आपका NO3 नाइट्राइड बनाएंगे NO3 6 2 माइनस, ये वाला कॉम्प्लेक्स में आपका सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता है। लेकिन ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका बनता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जो कि आपका N2O4 है, क्या है N2O4,
एक्वस सॉल्वेंट में ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सीरम आपका बनाता है कॉम्प्लेक्स विद नाइट्रेट आयन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्या होगा, यहाँ पे हर ये NO3 ईच NO3 अपना दो ऑक्सीजन क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे इस सीरियम आयन के साथ। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है, तो वो वाला ऑक्सीजन इस सीरियम आयन के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, ईच NO2 यूजेस ऑक्सीजन एटम टू कोऑर्डिनेट विथ C+4। हर नाइट्राइड में NO3 में दो ऑक्सीजन एटम क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सीरियम के साथ। तो यहां पे 6 है, 6 × 2 क्या हो जाएंगे आपका 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आपका सीरियम प्लस 4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है नाइट्रेट आयन। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जिस अगर हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहां जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन था वो 6 था, बहुत कॉमन था, मैक्सिमम या 4 या 6 कॉम्प्लेक्स सबसे कॉमन रहता है। लेकिन अगर हम यहां लेंथेनाइड की बात करते हैं तो यहां पे आपका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप इनकी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इनमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अब 12 तक आपके क्या हो जाएंगे, पूरा डी ऑर्बिटल 5 वहां पे हो गया, ठीक है, 3 आपका पी ऑर्बिटल 8, फिर यहाँ पे आगे एस ऑर्बिटल 9, फिर वहां से एफ ऑर्बिटल भी यहाँ पे क्या करना होगा, पार्टिसिपेट करने होंगे। ठीक है, तो इनकी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा आपका क्या रहता है, मुश्किल रहता है। यूजुअली ये कॉम्प्लेक्स बनाता है आपका। ठीक है, तो ये है हमारा कि कैसा कॉम्प्लेक्स आपका लैंथेनाइड फॉर्म करता है। और अगर यहाँ पे लैंथेनाइड की अगर हम बात करें तो मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स इज विथ मोनोडेंटेड लिगेंड्स आर Not so common and stable. अगर कॉम्प्लेक्स लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मोनोडेंटेड लिगेंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं और जो बनाते हैं वो उतना स्टेबल नहीं बनाता है। ठीक है, तो कॉमन क्या होगा, द कॉमन एंड स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस और दोस विथ चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ आपका स्टेबल और मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स चिलेटिंग लिगेंड के साथ फॉर्म करता है। अब चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, जिनमें मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट होता है लिगेंड में, तो वहां चिलेट रिंग बन जाता है, तो रिंग से आपकी कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है। और चिलेटिंग लिगेंड्स में भी ऑक्सीजन क्या बनाता है, विथ ऑक्सीजन इज डोनर एटम, उनमें भी ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, डोनर एटम होना चाहिए, जिस तरह हमने पिछले वाले 12 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में देखा था। अब यहाँ एग्जाम्पल कौन कौन सा है, दो सबसे बेस्ट न्यून एग्जाम्पल है जैसे कि आपका EDTA है, ठीक है, 4- EDTA चिलेटिंग लिगेंड है, तो इसके साथ आपका आराम से कॉम्प्लेक्स बनता है। सिट्रिक एसिड है, इसके साथ भी बनाता है, या ऑक्सैलिक एसिड है, कुछ एग्जाम्पल है, ये भी आपका बना सकता है, या एस्टेल एसिटोन है, ऐसे ऐसे चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड में जिस लिगेंड में डोनर एटम एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा जो एटम होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, यूजुअली EDTA के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है अगर ये मेटल आयन है तो। ठीक है, ये आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड है EDTA, या इथाइलिन डायमीन, तो वो इथाइलिन डायमीन के साथ अगर आपका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो EN बोथ साइड से आपका क्या होगा, यहां EN ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, यहाँ EN ऐसा रिंग फॉर्म करता है, तो उस चिलेटिंग रिंग की वजह से आपके कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है। EDTA की बात करें तो इसमें ट्रेड 4 जो डोनर एटम होता है, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है,
एनएच एनएच यहां पे एक होगा, यहां पे भी ऐसा होगा, यहां पे ये डायरेक्ट फॉर्म होंगे। तो यहां पे एक ये ऑक्सीजन कर सकता है, ये ऑक्सीजन कर सकता है, ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, चार ये हो गया। यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पैर है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसमें हेक्साडेंटेड है, 1 2 3 4 5 6 हेक्साडेंटेड लिगेंड आपका क्या हो जाता है, यहां पे शो होता है। ठीक है, तो ऐसे चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ आपका जो लैंथेनाइट है वो बहुत स्टेबल या कॉमन आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है। दूसरा यहां पे एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, तो कि यूजुअली अमीन्स के साथ अगर एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो वहां पे लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ठीक है, विथ अमीन्स NH2 के साथ, ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर लैंथेनाइट का कॉम्प्लेक्स आप एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के प्रेजेंस में एमीन के साथ कॉम्प्लेक्स करेंगे तो वो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बिकॉज H2O इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज कंपेयर टू एमीन से आपका H2O क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसका एफिनिटी टुवर्ड लैंथेनाइट क्या है, ज्यादा है। तो वो एमीन का कॉम्प्लेक्स अगर आप लैंथेनाइट के साथ बनाना है तो आपको क्या करना होगा, अगर बनाना है तो आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बनाना होगा। हाउएवर अंडर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे कि आपका एमोनिया है, पिरिडीन है, N2O4 है, ऐसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अमाइनो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनाइट कैन फॉर्म। आपका अगर लैंथेनाइट का कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको वाटर को नहीं लेना होगा, अगर अमाइनो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट में आपका कॉम्प्लेक्स बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपका एमीन के साथ क्यों कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है लैंथेनाइट, ये है। अब यहां पे जो लैंथेनाइट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एबिलिटी है वो ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में उतना नहीं है। यहां पे और एक भी रीजन ये है कि अगर हम ट्रांसेक्शन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे डी ऑर्बिटल क्या रहता है, अवेलेबल रहता है, तो वहां बैक बॉन्डिंग के साथ या पाई बॉन्डिंग के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। हाउएवर अगर आप लैंथेनाइट्स की बात करें तो 4f ऑर्बिटल क्या होता है, वेल शील्डेड होता है, ठीक है, और क्या होता है, डीप होता है, अंदर होता है। तो ये वाला 4f ऑर्बिटल आपकी पाई बॉन्डिंग के लिए या बैक बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, अवेलेबल नहीं रहने से आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एबिलिटी आपका लैंथेनाइट्स का कम रहता है एक इस कंपेयर टू ट्रांसेक्शन एलिमेंट। कुछ जैसे कि आपका कार्बोनाइल है, CO है, आपका साइनेट है, CN है, ठीक है, और आपका ऑर्गेनोमेटालिक जो ग्रुप्स है उनके साथ ये कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका कैसे आपका लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, इसी के साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी हमने लैंथेनाइट्स का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लैंथेनाइट्स जो का मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपका खत्म होता है, एक बचता है लैंथेनाइट कंट्रक्शन, उसको हम अलग लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम एक्टिनाइट्स पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके साथ आपका लैंथेनाइट जो एक्टिनाइट कंट्रक्शन है फिर उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।